थैंक्स इंडिया चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के 5 सबसे बड़े जिले कौन से हैं, कुछ रोचक जानकारियों के साथ। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 प्रयागराज, पुराना इलाहाबाद जिला जो अब बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा जिला है। इस जिले का क्षेत्रफल 5,482 किलोमीटर स्क्वायर है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। प्रयागराज में कुल 65 लाख लोग से भी ज़्यादा रहते हैं। प्रयागराज मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, जौनपुर, कौशाम्बी और मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। नंबर 4 सीतापुर, सीतापुर लखनऊ से सटा हुआ जिला है। इस जिले का क्षेत्रफल 5,743 किलोमीटर स्क्वायर है और इस जिले में लगभग 48 लाख लोग रहते हैं। सीतापुर जिला नैमिषारण्य तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3 हरदोई, लखनऊ के पास स्थित यह जिला उत्तर प्रदेश का 3रा सबसे बड़ा जिला है। इस जिले का क्षेत्रफल 5,947 किलोमीटर स्क्वायर है और इस जिले की जनसंख्या लगभग 42 लाख है। हरदोई अपने अवधि संस्कृत के लिए उत्तर प्रदेश में काफ़ी मशहूर है। सोनभद्र, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का 2रा सबसे बड़ा जिला है। सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से घिरा है। सोनभद्र झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों से घिरा हुआ है। सोनभद्र का क्षेत्रफल 6,788 किलोमीटर है। सोनभद्र की जनसंख्या लगभग 20 लाख है। उत्तर प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों में से भी एक है। नंबर 1 लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा जिला है। इस जिले का क्षेत्र 7,680 किलोमीटर स्क्वायर है। यह जिला उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। जिले के आसपास बहराइच, सीतापुर, पीलीभीत, हरदोई, शाहजहाँपुर जैसे जिले से घिरा हुआ है। लखीमपुर खीरी जिले में ही उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क भी स्थित है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताना। स्क्रीन पे आ रही अगली वीडियो भी देख लेना। आप अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्ते।